हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज आपके लोगों के लिए हम लाए हैं मोनोब्लॉक मोटर वरुणा कंपनी की, जिसका डाटा इस प्रकार है। 24 नंबर से 90 90 90 टर्न, 90 90 टर्न, और स्टार्टिंग में 27 नंबर से 100 100 टर्न। इसका पिच इस प्रकार है, 1 से 8, 10, 12 की पिच। ये वरुणा की मोटर है, वरुणा की मोनोब्लॉक, आधा HP, इसमें 12 नंबर है, 24 और 27। 24 नंबर से टर्न है हमारी 90 90, और स्टार्टिंग बार में टर्न है हमारी 100 100। इसकी पिच है 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। तो ये फर्स्ट कॉइल हमारी पड़ चुकी है, और इस पे हम सेपरेट पेपर लगा लेते हैं। सेपरेट पेपर काम मंगाई ले पहली कॉइल हमारी पड़ चुकी है, इसको सही से हमें बैठा लेना है। कि हम दूसरी कॉइल लड़ रही है, ये चलो तभी हमारी दूसरी कॉल पढ़ने वाली है।
इसमें भी हम अपना पेपर लगा लेते हैं। ये हमारा पेपर लग रहा है। कॉल को भी अच्छे से बैठा लेना है। इस प्रकार से इससे ऊपर की कॉल डालने में हमें दिक्कत ना हो, बढ़िया सी सेव बना लेते हैं इस प्रकार, जिससे हमें कॉल डालने में आसानी रहे। अब ये पहले शिफ्ट की हमारी तीसरी कॉल पड़ने जा रही है। इसमें भी हमारी 90 टर्न है। तो माइक्रो तो हिंदी तो था वहाँ बोलो ना। तो हमारी तीसरी कॉल पढ़ने जा रही है। एप्स में भी हम अपना पेपर लगा लेते हैं। अब इधर की भी दूसरी साइड की भी ये कॉल हम अपनी डाल लेते हैं ताकि तुम्हें। तो पहले सेट की ये लास्ट कॉल हमारी पड़ने वाली है। कॉल बिल्कुल सही से शेप में होनी चाहिए तभी आसानी से पड़ेगी, नहीं तो बहुत ही टाइट और दिक्कत भरने में होती है। इसमें भी हम अपना पेपर लगा लेते हैं। इसमें भी हमारा ये पेपर लग गया है, पहला सेट हमारा पड़ गया है। इसको भी सही से बैठा लेते हैं। अब इसका दूसरा सेट दोस्तों डालना स्टार्ट करते हैं। अब इस तरीके से कॉइल डालना है अच्छे से सेप बना के, और दो दो चार चार तार डाल ले हैं जिससे कॉइल हमारी आराम से पड़ जाए। अब इसके ऊपर पेपर लगा देते हैं। ये हमारा पेपर लग गया, और
इस साइड में हमको ये दो स्लॉट छोड़ के डालनी है कॉल, इसके बाद दूसरी और फिर इसमें तीसरी कॉल आएगी। अब इसके बाद ये इधर भी एक और दो स्लॉट छोड़ के कॉल इसमें डालना है। इस प्रकार बांस की फच्ची के साथ में कॉल डालनी है। भी हमारा पेपर लग गया है हमारा। इस कॉल को भी प्रॉपर तरीके से बैठा लेते हैं, टेप बना लेते हैं बढ़िया से। ये हमारी प्रॉपर शेप बन गई है। अब हम अपनी दूसरी कॉल डालना स्टार्ट करते हैं। अब अपनी हम दूसरी कॉल का दूसरा सेट डालना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा कॉल का दूसरा इसकी दूसरी कॉल पड़ी चुकी है एक तरफ की, इसमें पेपर लगा लेते हैं। उसके बाद अब दूसरी तरफ की भी कॉल डाल लेते हैं। तो ये हमारी तीसरी कॉल पड़ रही है। बढ़िया है। रिचार्ज करना काम करना जियो एयरटेल सर। नहीं कितने का होता है तुम्हें भी?
चलो ठीक है, एयरटेल एयरटेल। दिखा धीरे धीरे सब भैया सफाई करे, खे काम तो बता नहीं नहीं ज्यादा। अब ये सफाई दफाई करके रेडी कर दिया जाए, 1 महीना का रेस्ट मान लिया जाए, तो रहा यही रेस्ट कटा है भाई हमारा बस। फिर तो फिर गर्मी भर जितना कर पाओ उतना कमाई। चल तो हूँ। रहा पानी वाली मोटर वोटर, अभी तो 1 महीना चली ऐसे। नवंबर नवंबर में चलिए, वो दिसंबर और दिसंबर जनवरी के बस। महीने तो 50 50 है, 50 रुपया ही वही अपने पास दो। ये 1 रुपया आ नहीं रहा कटे। ये अब तो डाउन है, काम खत्म होएगा अब तो जल्दी। मौसम ठंडा होएगा ना, यू ट्रेन तो इस तरह के काम करते जाते हैं, पता नहीं कहाँ लोग त्योहारन में इस पर कहे पौधे केवल दिवाली, लेकिन दिवाली में तो काम नहीं होते। दिवाली भैया खर्चे खर्चे में बढ़ गए हैं हर आदमी के। तो पैसा उतने पैसा है नहीं उतना आदमी के पास। सारे तो त्योहार फीके पड़ते जा रहे हैं। दिवाली महाराज हाँ जी सुनी थी क्या
जैसे हमास के आतंकवादी ने अंदर चीन में टनल बना दी से वो इसे नहीं कुछ सोचा नहीं है ना, यहाँ इंसान भी से रहा था ना सोचा नहीं है, इतने छोटे हैं हम तो आ जैसे कैसे आते हैं 8 दिन हो तो कहियो इंसान घुस जाता के यहाँ
हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के ये जो वरुणा मोटर भरी गई थी पहले, उसको किस प्रकार से फिनिश करना है ये आप लोगों को हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना वीडियो, तो ये हमारी मोटर है, रनिंग स्टार्टिंग। इसके बीच में सेपरेटर पेपर अच्छे से, रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल आपस में टच नहीं करनी चाहिए। नंबर एक, पेपर बिल्कुल सही से लगना चाहिए, बिल्कुल कॉइल को बिल्कुल गोलाई शेप में एकदम से आपको अच्छे से बना लेना है। उसके बाद में पेपर लगा देते हैं। पेपर लगाने के बाद में फिर धागा मारते हैं और धागा इस प्रकार से अपना काम स्टार्ट करते हैं। धागा टाइट टाइट बिल्कुल ही लगाना है दोस्तों। अब प्रत्येक स्लॉट में प्रत्येक कॉइल पे धागा मारना है आप लोगों को, और जहाँ पे कॉइल का क्रैश होता है वहाँ पे तो जरूरी मारना है आपको। कितनी भी जल्दी करो वहाँ पे धागा आपको मारना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक तरफ का धागा हमारा पूरा होने वाला है। हमारी 2800 RPM की मोटर है, मोनोब्लॉक बरना की, बरना कंपनी की मोनोब्लॉक है ये। तो ये एक तरफ की है, हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है।
चलते हैं हम कनेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम अपना पेपर लगा लेते हैं, उसके बाद में हम अपने कनेक्शन करते हैं। अब हम ये रनिंग के कनेक्शन पहले कर लेते हैं। तार को पहले छील लेते हैं सही से। और आमने सामने कनेक्शन करने होते हैं। तीन नंबर स्लिप लेना है, जो एंटर पे तीन नंबर स्लिप लगा दी जाती है ऊपर से। इस तरीके से जॉइंट को लगा लेना है सही से। ये हमारा रनिंग का पोल बन गया है। अब इसके बाद में स्टार्टिंग का लेते हैं, इनको भी साफ कर लेते हैं। अभी ये स्टार्टिंग का हमारा कनेक्शन हो जाता है। अब ये जो चार लीडें हमारी बची हैं, ये हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। अब चारों लीडी हमारी साफ हो गई है। अब इसमें हमको मेन बनाना है और ऑटो कट लगाना है। तो इसे मेन बनाने के लिए स्टार्टिंग राइट और रनिंग लेफ्ट रखनी पड़ती है। इसमें अपना हम दोनों तारों में ऑटो कट बांध देते हैं। और इधर जो हमारा मेन रहता है, मेन वाला तार इसमें बांध देते हैं। ये ऑटो कट से मेन वायर एक निकलेगा हमारा।
ये हमारी स्टार्टिंग की लीड बंद गई है। ये हमारी रनिंग की लीड हो गई। अब इनके सब में हम अपना पिन नंबर स्लिप डाल लेते हैं। अब सारी लीडें हमें बाहर निकाल लेना है। अब हमें इसमें अपना धागा मारना है। दोस्तों अब हमारा ये धागा लग जाने के बाद मोटर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो खोले ये काम है। ये हमारा धागा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हमारी मोटर बिल्कुल तैयार होके रेडी इस तरीके से फिनिशिंग होनी है।